आप में से कितने लोग ये सुन चुके हैं या दूसरों को एडवाइस कर चुके हैं कि अगर डिप्रेशन है तो ध्यान कर लो, फायदा होगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, हम में से बहुत लोग कई बार दूसरों को भी एडवाइस कर देते हैं और इवन खुद भी कभी डिप्रेशन में होते हैं तो ट्राई करते हैं मेडिटेशन की। तो यहाँ पे एक बहुत मज़ेदार बात सुनिए कि आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। जी हाँ, अगर आप डिप्रेशन में हैं और ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। इवन आप और ज़्यादा डीप जा सकते हैं डिप्रेशन में। एग्री हैं? नहीं हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए। फ्रेंड्स, डिप्रेशन कब होता है? जब हमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है, कुछ ऐसा जो हमें पसंद नहीं है और हमें यूँ लगता है फ्यूचर में कहीं वो हो ना जाए, या फिर कई बार हम बहुत कुछ ऐसा सोचने लगते हैं जो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, एग्जिस्ट करेगा या नहीं होगा, मतलब करेगा या नहीं करेगा, या फिर किसी फैमिली में कोई अपने बहुत प्यारे के चले जाने पे, मतलब कि वो हमें छोड़कर जा चुके हैं, किसी भी वजह से आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। लेकिन जब कभी हम डिप्रेशन होते हैं तो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे दिमाग में चल रही होती है वो थी ओवर थिंकिंग। थॉट्स बहुत ज़्यादा, एकदम भीड़ के जैसे, यूँ समझ लें कि बाढ़ ही आ जाती है थॉट्स की। और इसीलिए डॉक्टर्स डिप्रेशन में जो मेडिसिन देते हैं ना, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद आती है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो मेडिसिन आपके ब्रेन की थिंकिंग पावर को थोड़ा सा स्लो कर देती है। यानी कि जहाँ बाढ़ आ रखी थी थॉट्स की, वही थॉट्स उस मेडिसिन की वजह से कम हो जाते हैं, है ना। यही कारण है कि जब आप डिप्रेशन में मेडिटेशन करोगे, इट मीन्स कि आप पूरी दुनिया से डिस्कनेक्ट हुए, है ना। आप अपने रूम में अकेले बैठे हैं, है ना, और ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप अकेले बैठे हैं और ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उस वक्त आपको क्या लगता है, विचार कम आएंगे? नहीं, उस वक्त विचार और ज़्यादा आएंगे, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले बैठे हैं, आउटर वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हैं, बाहर का कुछ नहीं देख रहे हैं, आंखें बंद हैं और आपका ध्यान सिर्फ अपने विचारों पे है। और जब आप अपने विचारों पे ध्यान लेंगे तो जो पहले से नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग में नाच रहे हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि उनको ये लगेगा कि उनको गौर करा जा रहा है, उन्हें ध्यान से देखा जा रहा है, और वही नेगेटिव थॉट्स अपनी सेम फ्रिक्वेंसी के और बहुत सारे थॉट्स क्रिएट करना शुरू कर देंगे। मतलब कि अगर आप ध्यान करते हैं तो डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। हाँ, अगर आप किसी परफेक्ट टीचर की गाइडेंस में कर रहे हैं तो हो सकता है कि वो आपको गाइडेड मेडिटेशन कराएं, और गाइडेड मेडिटेशन में आप क्या सोचेंगे, वो सोचेंगे जो वो टीचर बोल रहा है ना। आप अपने थॉट्स को इग्नोर करना शुरू करेंगे और जो टीचर बोल रहा है उस पर गौर करना शुरू करेंगे, तो हो सकता है आपको फ़ायदा हो। लेकिन अगर आप सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद ट्राई कर रहे हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि डिप्रेशन में जो मेडिटेशन है वो नहीं करा जाता है। इवन मैं खुद भी अपने किसी स्टूडेंट के डिप्रेशन में जाने के बाद मैं काउंसलिंग ज़्यादा करती हूँ, बात ज़्यादा करती हूँ, लेकिन डिप्रेशन में मेडिटेशन नहीं कराती। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग प्रैक्टिस करा दी, है ना, और मेडिटेशन एक या दो मिनट, आप थोड़ा सा 2 मिनट आप बिल्कुल अपने अंदर झांकने को बोलते हैं, अदरवाइज़ ब्रीदिंग प्रैक्टिस उनको हेल्प करेगी। इसीलिए प्लीज़ ना तो किसी को एडवाइस दीजिए कि डिप्रेशन में मेडिटेशन हेल्प करेगा, और ना ही खुद कीजिए, क्योंकि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो दूसरे को आप और ज़्यादा क्रिटिकल, और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में पहुंचा रहे हैं, उसको हेल्प नहीं मिलने वाली, वो बल्कि और ज़्यादा डिप्रेस फील करेगा। तो अब ये सवाल उठता है कि फिर करें क्या मैम डिप्रेशन में? यस, एक दो टेक्निक तो मैंने बता दी कि आप ब्रीदिंग कीजिए, काउंसलिंग कीजिए। नेक्स्ट टेक्निक जो है वो ये कि आउटर वर्ल्ड से ज़्यादा कनेक्ट होइए। मतलब ये कि कहीं घूमने जाएं, किसी दोस्त से बात करें, ठीक है, अपने आप को अकेला मत छोड़ें। डिप्रेशन में आप अकेला छोड़ेंगे तो अगेन आप ओवर थिंकिंग इन्वाइट कर रहे हैं। डिप्रेशन में आप मेडिटेशन कर रहे हैं, ओवर थिंकिंग इन्वाइट कर रहे हैं, ठीक है। आप किसी से नहीं मिल रहे हैं, ठीक है, आप बोल रहे हैं कि नहीं मुझे
किसी से नहीं मिलना, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मुझे किसी से फ़ोन नहीं करना, अगेन आप ओवर थिंकिंग इन्वाइट कर रहे हैं। इसलिए अपने किसी बेस्ट फ्रेंड से, किसी रिलेटिव से ज़्यादा बात कीजिए, आउटर वर्ल्ड से कनेक्ट होइए। वो चीज़ें जो आपको हैप्पीनेस देती है, सिंगिंग, डांसिंग, वो चीज़ें करिए, वो आपको डिप्रेशन से जल्दी बाहर निकालेंगी। ना कि ध्यान है वो आपको जल्दी बाहर निकालेगा, वो भी एक तरीके का ध्यान है अगर आप सिंगिंग या डांसिंग में पूरा फोकस होकर कर रहे हैं। जितनी देर आप वो एक्टिविटी आउटर वर्ल्ड में, मतलब कि आपके सेंसेस को यूज़ करके कर रहे हैं, उतनी देर आप अपने डिप्रेशन को भूल जाएंगे। तो ये सबसे ज़रूरी बात कि डिप्रेशन में प्लीज़ ध्यान ना करें। मुझे इस पर वीडियो बनानी पड़ी क्योंकि बहुत लोग ये क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे कि डिप्रेशन में मैम ध्यान कितना फ़ायदा देगा। कितना फ़ायदा क्या देगा, ध्यान फ़ायदा ही नहीं देगा। इसलिए प्लीज़ ना करें जब तक कि आपको कोई ट्रेनर या गाइडेड मेडिटेशन कराने वाला ना मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। बाय।